फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज द चैप्टर्स आर नॉट इंटरनी इंटरनली इन्वॉल्व इन ईच अदर इट इज़ नॉट लाइक दैट यू बी रिक्वायरिंग टू टीच टू स्टडी दिस चैप्टर फर्स्ट एंड देन यू आर गोइंग टू स्टडी दैट चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर हेलो एवरीवन दिस इज़ मधु फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी सो टुडे वी आर विद मिस्टर लोकन सर हु इज़ द केमिस्ट्री फैकल्टी इन टॉपर्स एकेडमी सो वेलकम टू द टॉक शो सर थैंक यू सो जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट वीक से हमारा uh, नीट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो इसके बारे में मतलब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं नीट क्रैश कोर्स के लिए तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं आपसे करूँगी जो बच्चे तक जाएंगे कि केमिस्ट्री में वो कैसे कवर अप कर सकते हैं ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि केमिस्ट्री में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी मैम केमिस्ट्री या साइंस के किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी कॉम्पिटिशन निकालने के लिए स्ट्रैटेजी एक ही होती है कि कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छा होना चाहिए और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके बाद हम उनके ही जैसे या फिर किसी इंस्टीट्यूट से जैसे हम खुद अपने क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे विद पी वाई क्यू तो हम कंसेप्चुअल नॉलेज पे काम करने वाले हैं और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अब जैसे ऐसा रहता है मतलब मैं अपना केमिस्ट्री में आपको बताता हूँ जैसा मैं प्रीवियस ईयर में भी करता आ रहा हूँ मंडे टू सैटरडे हम कोई भी चैप्टर कम्प्लीट करते हैं उसके बाद सैटरडे को जब कंप्लीट हो जाता है मोस्टली इतने एक, एक वीक में सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में सैटरडे को एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल प्राइड द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स दे विल सॉल्व द क्वेश्चन दे विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन संडे एंड दे आर गोइंग टू आस्ट द क्वेश्चन ऑन मंडे सो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गया चैप्टर कंप्लीट हो गया और उन्होंने मंडे में अपने डाउट क्लियर कर लिए तो जो मंडे की क्लास होती है ट्यूजडे टू सैटरडे वो अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं और जो मंडे की क्लास होती है वो उसमें केवल डाउट सेशन होता है उसमें हम कोई अलग से नहीं पढ़ने जा रहे तो पूरा क्लास जो हमने पिछले वीक क्लास की है पिछले पीक जितना ही पढ़ा है उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम करते हैं जो कि मंडे को हम डिस्कस करने वाले हैं ओके सो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या रहेगा केमिस्ट्री यस मैम वैसे तो तीन ब्रांच होती है केमिस्ट्री में जैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल वैसे तो हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज द चैप्टर्स आर नॉट इंटरनली इन्वॉल्व इन ईच अदर इट इज़ नॉट लाइक दैट यू बी रिक्वायरिंग टू टीच टू स्टडी दिस चैप्टर फर्स्ट एंड देन यू आर गोइंग टू स्टडी दैट चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर सपोज uh, अगर हम इनऑर्गेनिक स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनऑर्गेनिक में हमें इस पहले समबेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए समबेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तो सारी सब केमिस्ट्री के लिए करना चाहिए फिर उसके बाद हम जैसे अटोमिक स्ट्रक्चर फिर प्रोडक्टिव कैमिकल बॉन्डिंग एंड दिस वे वी आर गोइंग टू डू दैट राइट अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमें एक से इससे चलना पड़ता है जैसे जी करेंगे फिर हाइड्रोकार्बन करेंगे फिर हैवेल्किन एल एल्डिहाइड कीटोन इन फिजिकल केमिस्ट्री वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी चैप्टर बट इन इनऑर्गेनिक एंड इन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू विल हैव टू गो विद अ सीरीज इट इट इज़ नॉट लाइक दैट वी कैन स्टार्ट एनी चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इफ यू आर गोइंग टू डू दैट ना सो देर विल बी अ प्रॉब्लम दैट द स्टूडेंट्स विल हैव टू क्रैम लॉट ऑफ थिंग्स उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा हो जाएगा कि जैसे रिएक्शंस को रटना ही है तो उसके लिए उनको पहले जीओसी पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन फिर हेलो आइलिन में वो एस एन वन एस एन टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे फिर कार्बोकेटाइन कार्बो एनआन जितने इंटरमीडिएट होते हैं वो स्टेबिलिटी एसिडिटी बेसिसिटी वो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिविंग ग्रुप वगैरह वो जब उसको क्लियर करेंगे तो उनको आगे जाके रिएक्शंस ऐसा नहीं लगे उनको रटना पड़े ओके okay. सो so, uh, कैसे स्कोर कर पाएंगे हम इसमें केमिस्ट्री में मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कैसे स्कोर कर पाएंगे यस मैम केमिस्ट्री मैम जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में स्कोर करना बहुत अच्छा है बहुत इजी है मतलब काफ़ी कम टाइम में आपको ये बहुत अच्छा एडवांटेज दे सकता है स्टूडेंट्स को अब जैसे केमिस्ट्री में हमारे कुल मिला के आठ चैप्टर रिलीज हुए रिमूव हो गए कंपनी चार चैप्टर इलेवंथ से हुए चार चैप्टर ट्वेल्थ क्लास से हुए तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्रस कोर्स बहुत अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि हम टाइम से सिलेबस कंप्लीट करा पाएंगे क्योंकि आठ चैप्टर में काफ़ी वास्ट सिलेबस हुआ करता है भले से वो चैप्टर छोटे हैं लेकिन जैसे समबेसिक जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया तो उन चैप्टर में क्या है द एवरी थिंग इज़ दैट विल हैव टू क्रैम राइट मेडिसिन के नाम याद करने हैं हमें पॉलीमर्स के फॉर्मूला उनके मोनोमर याद करने हैं तो उसमें क्या होता है वो रटने वाला चीज़ है तो साइंस का स्टूडेंट जनरली कंसेप्चुअल में अच्छा होता है उसके कंसेप्ट पकड़ अच्छी होती है तो उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि हम उसको टाइम से सिलेबस करा पाएंगे तो दोनों के लिए हमारे लिए अच्छा है तो हम उन बच्चों के लिए जो ट्वेल्थ में है इस बार ट्वेल्थ एग्जाम देने वाले फाइनल उनके लिए क्लस कोर्स अच्छा है और जो बच्चे पहले ड्रॉप किया अच्छा नहीं कर पाए ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जिंगलेस कोर्स तो जैसे अभी हमें अच्छा स्कोर करने के लिए उनको यही करना चाहिए कि एक तो कंसेप्चुअल नॉलेज लेने अच्छे से डीप नॉलेज ले कंसेप्ट की उसके बाद जो कंसेप्ट पढ़ते हैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू यू आर गोइंग टू क्रैम यू आर गोइंग टू स्टडी द होल सिलेबस टू द थ्री टाइम्स इफ यू आर नॉट गोइंग टू सॉल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस कंसेप्ट दैट मीन यूर नॉलेज बेस्ड ऑन ऑल द सब्जेक्ट ऑल द कंसेप्ट इज यूजलेस इट्स नॉट वेरी फ्रूटफुल आई आई शुड से इट्स नॉट वेरी वेरी फ्रूटफुल इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन सो अगर आप क्वेश्चन की कंसेप्टुअल नॉलेज और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप चैप्टर जैसे बच्चे पढ़ते हैं जैसे बच्चे चैप्टर पढ़ते हैं तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं हाँ शॉर्ट नोट्स आपके ही आपके काम आएंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी इंस्टीट्यूट से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर ले या मान लीजिए मैं ही आपको दे देता हूँ शॉर्ट नोट्स बना के तो आपको ये तो है कि इजीली मिल जाएगा लेकिन दैट शॉर्ट नोट्स विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू द शॉर्ट नोट्स दैट विल बी मेड दैट विल बी प्रिपेयर बाई योर सेल्फ विल बी बेनिफिशियल फॉर यू राइट दूसरी बात यह कि आप हर चैप्टर पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बना लें और उनको मल्टीपल रिवीजन की तरफ ले जाएं क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको मान लीजिए तीन घंटा या दो घंटा लगेगा कि इस चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए जब आपको टाइम लग जाएगा प्रिपेयर करने के बाद ये तो सही है लेकिन जब आप उसको रिवाइज़ करने जा रहे हैं वैन यू आर गोइंग टू रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स इट विल बी टेकिंग वेरी वेरी लेस टाइम

Uh, कुछ फिजिकल चैप्टर में तो हर में होता है फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिजिकल केमिस्ट्री में एक तो आपको ये करना चाहिए जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप अपने फॉर्मूलाज वगैरह लिख ही लेंगे किस फार्मूला में क्या वैल्यू क्या डिनोट कर रही है किस यूनिट के साथ है वो आपको पता होना चाहिए जनरली होता है क्या है? बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं वो आंसर मिल जाता है उनको अब आंसर उसका अलग अलग यूनिट के साथ होता है क्वेश्चन में चार आंसर है चार ऑप्शन है और चारों की यूनिट अलग है If you do not know how to interconvert the units, that mean you know the question, how to solve the question, you know the formula, you will get the answer, but you will not match your option with your answer in the given option right? That means you will not get the correct answer. Or आपको जो लगेगा, जो आपका answer आएगा, वो किसी और unit में होगा। आप unit conversion की वजह से ही question गलत कर देंगे। बहुत सारे questions में ऐसा होता है। और कहीं की question में ऐसा होता है कि अगर आपको unit conversion आता है तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाते हैं भले से आपको फॉर्मूला नहीं पता हो कई स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे भी देखा है कि सर मैंने बस यूनिट कन्वर्जन के ही अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया उनको एक तो मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए एटम इनवर्स मोल इनवर्स क्या होता है उसकी बात उनको यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से आना चाहिए नूमेरिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की रोल राइट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम जैसे अभी हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे उसमें हमारा बेसिक फंड ये रहेगा कि हम हर एक बैच में बहुत मिनिमम बच्चे रखने वाले हैं मतलब 20 से 25 बच्चे रख रखेंगे रहे, रहे, कोई ऐसा होता है हो, तो उसके लिए नया बैच बन जाता है तो उसमें क्या है हम इंडिविजुअल अटेंशन पे कर सकते हैं बच्चे के लिए तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ताकि हम बच्चे को इंडिविजुअल अटेंसन दे सके और बच्चा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर उसके अपने डाउट पूछ सकता है और वो अपना बेहतर परफॉर्म कर सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ़ व्यू से। ओके, okay. सो so, अब जैसे में को मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अभी टाइम इतना नहीं बचा है हम सिलेबस कैसे पूरा करेंगे तो मैं उसके लिए बता दू देखिए आठ चैप्टर रिलीज हुए है लाइक एनवाइ केमिस्ट्री पॉलीमर्स राइट और फोर चैप्टर्स आर रिमू फ्राम द एलेवंथ सिलेबस एंड फोर्थ चैप्टर्स आर रिमूव फ्राम द ट्वेल्थ सिलबस सो वैसे हमें लगता है कि ये तो चैप्टर है क्या इनमें तो रटना ही है इसमें तो कुछ भी नहीं है लाइक ए स्टेट्स ऑफ मैटर उसमें रटना नहीं है उसमें समझना भी था और उसमें थियरीज भी थी और कुछ रटने वाली जैसे दवाइयाँ रटने हैं पॉलीमर मोनोमर रटना है वो भी रिमूव हुआ है तो, तो वो हमारा टाइम सेव करेगा जिससे कि हम अपना सिलेबस टाइम से पूरा कर सकते दूसरा कि ऐसा नहीं है कि हम आपको स्टार्ट बैच करेंगे हम क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे फिर हम उनकी आंसर की लेकर आएंगे ऐसा नहीं है हमने सारा ही पहले प्रिपेयर करके रखा हुआ है तो जिससे कि हमारे हमें अंदाज़ा है कि हम इस तारीख तक ये करा देंगे इस तारीख तक हम इलेवंथ का सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर ट्वेल्थ का हो जाएगा फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो हमारा पहले से ही हमें अंदाज़ा है उसका जैसे मई में एग्जाम होने वाला है तो हम अप्रैल में काफ़ी हद तक शुरू तक ही उसको सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली करा देंगे क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रैटेजी है जिस हिसाब से हमने सोच के चला हुआ है टेस्ट प्रिपेयर है नोट्स प्रिपेयर है क्वेश्चन प्रिपेयर है तो उसके अकॉर्डिंग हम बहुत टाइम से पहले और विद क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब इतना होगा कि आप क्वेश्चन बदलो चैप्टर सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जो कि हम खुद क्वेश्चंस उसके साथ प्रोवाइड कराएंगे विद सॉल्यूशन विद देयर आंसर की ठीक है इसमें पीवाईक्यू सब कवर होगा yes, आपका यस मैम इसमें मेनली एक तो हमारी तरफ से जो हमने क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं एक तो वो होते हैं पीवाईक्यू पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं और हम उस तरह के क्वेश्चन लेके आते हैं जैसे मान लीजिएगा टेंडेंसी है कि, कि किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है जैसे हर चार साल बाद आ रहा है क्वेश्चन तो क्वेश्चन अगर मान लीजिए पी में नहीं भी है तो हम उसको अपनी तरफ से बनाते हैं उसको तो अपनी तरफ से ऐड करते हैं कोई क्वेश्चन जैसे हमें लगता है कि इस लेवल तक अभी आ चुका है हम कोई दूसरे चैप्टर का इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा लेवल बूस्ट अप हो जाए क्योंकि देखिए कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ता जा रहा है डेली बाई डेली क्योंकि अगर एजुकेशन ईजी हो गया है लोगों के लिए तो उतना ही वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं जैसे कई चैप्टर्स को हमने मदब कर दिया कुछ दूसरे टॉपिक का जो जैसे यूनिट कन्वर्जन हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया तो उससे क्या है कि लेवल बूस्ट हो जाता है एक तो और जब लेवल बूस्ट हो जाता है तो बच्चा थोड़ा सा अपर लेवल का नॉलेज रखने लगता है तब तो वो जाके एग्जाम लेवल पर एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से क्रैक कर पाता है क्योंकि अगर उसको एग्ज़ाम टाइम में करना है मान लीजिए तो उसको जो नॉलेज होना चाहिए उसका जो लेवल होना चाहिए वो थोड़ा सा अपर होना चाहिए ओके क्योंकि उसको वहाँ पे ना एग्ज़ाम में जाके प्रेशर भी झेलना है तीन घंटे जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है तो वो अगर उसी लेवल के साथ जाएगा तो थोड़ा सा तो एनर्जी उसका 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 थोड़ा सा तो थो, थोड़ा सा सा तो नॉलेज कॉन्फिडेंस वो लो हो जाएगा केवल एग्जाम हॉल के प्रेशर से तो, तो थोड़ा सा अपर होना चाहिए तो ये हमारा थोड़ा ओके सो इसमें आप नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करोगे तो उसमें क्या रहेगा आपके नोट्स में मतलब जो बच्चों के लिए हेल्पफुल ये अच्छा क्वेश्चन है आपका मैम जैसे कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है राइट तो मेरी ये आदत है यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उनका भी ऐसा है कि कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उसमें जैसे जितने बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एटलीस्ट तो हम उसमें ही जैसे एक क्वेश्चन लिया उसके कई सारे ऑप्शन बनाते हैं ठीक है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जैसे इन थर्टी ग्राम ऑफ एन कैलकुलेट एंड उसमें ऑप्शन होंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ सब पार्टिकल्स अब जैसे एक ही क्वेश्चन में हम काफ़ी सारे पार्ट डिस्कस कर लेते हैं जिससे क्या होगा कि बच्चे का एक ही क्वेश्चन में हम उस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उसमें डिस्कस कर लेंगे और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हम दो या तीन क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट वैराइटी के बच्चे क्वेश्चन हैंडल करना डूरिंग द क्लास सीख जाए क्योंकि अगर मैम ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे को नॉलेज कितना है इम्पोर्टेंट mm -hmm. यह है कि बच्चा वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बना लेता है या नहीं बना लेता है तो अगर कंसेप्ट क्लास में क्वेश्चन नहीं कराने जा रहे हैं तो इसका मतलब कंसेप्ट का नॉलेज तो मैम हर जगह है गूगल से ही पढ़ सकता है तो वह क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है यूनिट कन्वर्जन के साथ कैसे डील करना है वो उसको हम ड्यूरिंग द क्लास बताते हैं बताने की कोशिश करते हैं उससे डरिंग द क्लास क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं उसको टाइम देता है राइट right? और उसके बाद जो उसमें देखते हैं कि क्या उसको प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं प्रॉब्लम हो रहा है फिर उसका कुछ सॉल्यूशन बताते हैं फिर उसके बाद सैटरडे को जो भी हमने ट्यूसडे टू सैटरडे पढ़ा एट द एंड ऑफ द क्लास वी विल प्रोवाइड द क्वेश्चन स्टूडेंट्स एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन संडे एंड दे विल आस्क देयर डाउट ऑन मंडे ओके okay. और प्रैक्टिस शीट्स वगैरह भी में आपका यही सब रहता है यस yes, मैम uh, हमारी साइट पे भी सारे प्रैक्टिस सीट अवेलेबल होते हैं और जिससे भी बच्चे खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उनमें जैसे वीकली टेस्ट होते हैं उनमें बच्चों के बच्चों को उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं फिर उसके बाद अगर बच्चा उसके सॉल्यूशन देख के आंसर की देख के भी नहीं कर पा रहा है देन वील अरेंज द वी अरेंज द डाउट सेसन्स टू द स्टूडेंट्स टू द इंडिविजुअल एंड इन द ग्रुप सो थैंक यू सो मच सर थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टॉक शो सो हमारा जो नीट का क्रैश कोर्स है वो नेक्स्ट uh, वीक से स्टार्ट हो रहा है तो फटाफट आप एनरोल कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक यू सो so मच